अगर आप भी बाहर का जूस या खाना वगैरह खाते हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखकर आपको झटका लग सकता है। फूड विभाग के लोग जयपुर की फेमस जूस की दुकान में जो गंदगी दिखा रहे हैं वो डराने वाली है। ना जाने ऐसे कितने आउटलेट होंगे जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। पहले ये वीडियो देखिए। आज शाम जूस बगड़िया भवन सीस्टी, यहाँ पे आप जूस अक्सर पीते रहे होंगे और पपाया जूस आप बहुत पीते हैं, पपीता शेक जिसको कहते हैं। आपसे अनुरोध है, बिना रुमाल के दुकान में न जाए, मर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। बोतलें आप देखिए, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा जी है, यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कितनी बुरी स्थिति है। नीचे भी दिखाइए, यहाँ पे कीट पैदा हो गए हैं और ये गंदगी यहाँ पे हो रखी है। ये तो गल गया, जंग लगी हुई गली हुई टेबलें हैं जिनको बदलने की कोई जहमत ये उठा नहीं रहा है। इधर आप देखेंगे इस सड़े हुए केले, ये देखिए ये सड़ा हुआ केला, इसका बनाना शेक आप पीएंगे। ये देखिए ये थैलियां और ये सामान, ये गंद, यहाँ आप डीप फ्रीजर को देखिए, आपको दिखेगा कि कितने जबरदस्त काली फंगस यहाँ है जो कितने भयानक रोग आपको करेंगे। ये देखिए ना, ये एप्पल देखिए जिनका आपको जूस पीना है, और निकालो और निकालो, और ये जंग लगे हुए, और ये देखिए आपसे गुजारिश है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये देखो ये एप्पल आप देख रहे हैं, थोड़ी जंग खराब सी। इधर आपको ये दिखाएंगे हम प्लीज, ये देखिए आपकी क्या हालात इस मरीज के हैं, किस तरह से सामान रखे हुए हैं, ये ऊपर दिखाओ क्या गंदगी का महासाम्राज्य है। और ये कभी भी आप करने की कोई नहीं गई है, और ये आप देखिए कि क्या किन हालातों में हैं आप। ये जूस बनाने वाले भैया हैं, ये गंदगी का महासाम्राज्य, किस तरह से पपीता रखा गया है, जंग यहाँ पे फफूंद लगी हुई है, गंदगी जमी हुई है। नीचे ये आप देख रहे हैं मिक्सी के जार देख रहे हैं, यही कितनी भयानक गंदगी है। पैकिंग से जार देखिए, जाली देखिए, ये जिसमें आप पैकिंग करते हैं, थैलियां जार रखी हुई है, आप देखिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। ये देखो नीचे देखो, ये आप देखिए क्या हालात है जिनमें ये बनाया जाता है। ये हमारी पूरी टीम है, रतन गोदारा जी हैं, नरेंद्र जी हैं, हमारे राजेश जी भी साथ हैं, और ये हम मौके पर पहुंचे हैं और हम हतप्रभ हैं कि ऐसा राजधानी में कैसे हो सकता है। इस वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ गए होंगे कि हम कितने चाव से ऐसी फेमस शॉप्स पर खाना खाने जाते हैं, जूस पीने जाते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति कैसी है ये आप खुद देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद राजस्थान तक ने इस दुकान का रियलिटी चेक किया। जब अगले दिन हमारे सीनियर एडिटर शरद कुमार इस दुकान पर पहुंचे, तब भी दुकान में कुछ ऐसे ही हालात थे। सबसे मशहूर जूस की दुकान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस जूस की दुकान पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये दिखा रहे हैं कि दुकान में किस तरह से गंदगी है। दुकानदार का कहना है कि उसके बाद हमने साफ सफाई की है, मगर इस तरह से वो दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पर फल पड़े हुए हैं जिस पर मक्खियाँ भनभनाती रहती है, दिखा रहे थे कि आम की जो क्वालिटी है और या फिर सेब की जो क्वालिटी है वो कितने ख़राब हैं। और इस तरह से देखिए, जूस का ये दुकान इतना मशहूर है कि शायद ही जयपुर का कोई व्यक्ति होगा जो जानता नहीं होगा, जो यहाँ पर आता नहीं होगा जूस पीने के लिए। अब इस तरह से अब ये जो जूस रखा हुआ है और इस पर जो मक्खियाँ भनभनाती हैं, जिसकी वजह से ये उनका कहना था कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। जब इतने लोग आ रहे हैं तो इस तरह से व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मगर उसके बाद भी क्या व्यवस्था ठीक हुई है, इस तरह की हम बातचीत करते हैं। ये पपाया जो है, ये पपाया का ट्रे है और सबसे ज़्यादा मशहूर यहाँ का पपाया जूस होता है, जिसे पीने के लिए लोग आते हैं। जूस के दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है सर। पवन जी, आपके दुकान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि दुकान में इतनी गंदगी है, फिर इतनी गंदगी कैसे आई? गंदगी थी सर, स्टाफ नहीं था उस टाइम, स्टाफ था नहीं उस दिन, सफाई हो नहीं पाई, इसलिए थोड़ी गंदगी रह गई। लेकिन उसकी वजह से आप जो आपका जूस पियेंगे उनको तो नुकसान हो सकता है? हाँ, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है नुकसान।
लेकिन गंदगी थी साइडों में, पीछे फ्रिज के पीछे इधर ऐसे थोड़ी बहुत गंदगी थी। ये जो आप रख रखे हैं इसे मक्खियां जो भनभना रही हैं, जैसे ये फल हैं फ्रूट हैं इसे मक्खियां भनभना रही हैं चारों तरफ, ये कौन 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 देखेगा इसे? हमें ही देखना पड़ेगा सर। अभी दुकान ओपन हुई है, अभी दवाई ववाई डालेंगे फिर थोड़ा सेटिंग होगी। यहाँ कल ही आपके दुकान पर अधिकारियों ने छापा मारा और आज भी यही स्थिति है, तो फिर इस कैसे? आज तो काफी सुधार है सर, हाँ काफी सुधार है। और अभी दुकान ओपन करी है, अभी सफाई करेंगे थोड़ी सेटिंग करेंगे। तो ये वो दिखा रहे थे यहाँ पर कि जिस तरह से ये फ्रिज में सामान रखा हुआ है या और कहीं ये सामान जो रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये केले की क्वालिटी वो दिखा रहे थे कि ये केले जो हैं वो सब देखिए देखिए केले के ऊपर ये देखिए कितने कीड़े भनभना रहे हैं। ये जो केले पर कीड़े भनभना रहे हैं इसी यही वो दिखा रहे थे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, और उसके बाद भी इस तरह से हालात यहाँ पर नहीं सुधरे हैं। दरअसल इतने लोग आते हैं यहाँ पर जूस पीने के लिए कि ये लोग बिक्री में लगे रहते हैं मगर ये ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे रखना चाहिए। आप देखिए केले के ऊपर जितने कीड़े भनभना रहे हैं, आप देखिए अंदर, हाँ ये लगातार जूस बेचने में लगे हुए हैं केले के ऊपर इतना। सर अभी दुकान खोली है हमने, ये देखो ये इतने कीड़े भनभना रहे हैं, देखिए आप। हाँ अभी दुकान खोली है तो अभी आए हम, अब साफ सफाई करेंगे सर, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, दुकान खोलते ही। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर जूस पीने के लिए आते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो लोग जूस पी रहे हैं वो कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। दुकान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गंदगी काफी थी, आज मैं अंदर आया हूँ उसी तरह से सारे फल पर ढेरों सारे मक्खियां और कीड़े पड़े हुए हैं। आपको लगता है सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बरतनी चाहिए सर, बट एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो इधर मान के चलो हफ्ते में 2-3 बार आते हैं, बट हमको टेस्ट में ऐसा कुछ लगा नहीं, बट अंदर क्या है वो हमने देखा नहीं, तो हो सकता है कि हमने जो देखा है हमने जो पिया उसमें डिफरेंस हो, बट आपने देखा की वजह से तो हम लोग भी आते हैं पीने के लिए। सर बहुत शानदार देते हैं हम तो ये, और ये हमारे लिए बड़े सदमे जैसा है कि अंदर जाके जो हम देखते हैं। सर मैंने भी लिया ऐसी बात कर दिया। नहीं नहीं पीठ पीछा देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं, इनको साफ सफाई रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए, बट बहुत अच्छा देते हैं, हम तो हफ्ते में 3-2 बार आते ही रहते हैं। और भी जो लोग हैं, आप भी जूस पीने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किस चीज का जूस पीते हैं? पपीता से। आपको लगता है कि अगर थोड़ा सफाई उफाई रहे, मक्खियां जिस तरह से भनभना रही हैं वो ना रहे तो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे, क्योंकि टेस्ट के लिए लोग यहाँ आते हैं? बिल्कुल हाँ, अगर सफाई रखेंगे तो अच्छी बात है, बट वैसे भी बेस्ट है यहाँ पे आसपास में देखा जाए तो सबसे बेस्ट दुकान है, साफ सफाई में भी ठीक है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है वैसे। ये जो फ्रूट्स पे मक्खियाँ भनभना रही इतनी सारी, वो तो गैर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए तो रखनी चाहिए सफाई। और लोग से बात करते हैं, आप भी जूस पीने आए हैं? जी सर है? जी यहाँ का जूस बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और जो जिस तरह से यहाँ पर आज भी गंदगी दिखाई दे रही है काफी, अंदर जाके आया मैं, इनसे कहा भी सफाई करने के लिए, कह रहे हैं मैं कर लूंगा, और अधिकारी कल आए थे स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने भी सारे वीडियो बना के डाले हैं। लगता है कि इतना ज्यादा अगर भरोसा किसी दुकान पे है तो ज्यादा इनको सफाई करनी रखनी चाहिए। सफाई जब बोला है तो ये कर लेंगे, होनी भी चाहिए सफाई, और हो जाएगी सफाई, कर लेंगे भैया अच्छे हैं, हो जाएगी। तो ये स्थिति है यहाँ पर, देखिए आप जूस बेचे जा रहे हैं और लोगों का भरोसा कितना है आपको? सर विश्वास तो करते ही हैं, तो इस विश्वास को तो नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटेंगे सर, क्यों टूटेंगे विश्वास? अभी मैं आपको दिखाया इतने केले पे कीड़े उड़ रहे हैं, एक्चुअली में रात भर दुकान बंद रही है, ये आप भी समझते हैं कि बंद दुकान में कुछ तो ना कुछ तो होगा। अभी दुकान खुली है, अभी साफ सफाई होगी सब सही हो जाएगा। ढक्कर रखते तो कैसे होगा? ढका हुआ ही ना सर, वो ढके ही रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं ज्यादातर, तो सारे फ्रूट हम काट के सारे फ्रूटों को फ्रिज में रखते हैं, बाहर रखते ही नहीं। यहाँ पर हालांकि देखिए ये भी सच बात है कि जिस तरह से भीड़ यहाँ पर रहती है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सदमे में है, शहर भर में चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि जिस दुकान पर लोग इतना ज्यादा जाते हैं जूस पीने, अगर उसमें इस तरह से गंदगी है तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? और देखिए कल ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए हैं, उसके बाद भी अगर यही स्थिति है दुकान में हमारे अंदर जाने के बाद भी, और ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, रात भर खुली रहती है तो रात भर में कीड़े आ गए हैं, तो कम से कम
जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दुकान में अब भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज ओझा का कहना है कि अगर ऐसे हालात अब भी हैं तो फिर कार्रवाई होगी। जिस तरह के हालात आपने वीडियो में दिखाए हैं, जयपुर के लोग चिंतित हैं कि हम जिस दुकान पर लाइन लगाकर जूस पीते थे उसके अंदर इतनी ज्यादा गंदगी है। आपका सही है कहना, और हम भी बहुत आश्चर्य में आ गए थे कि अंदर जाएं तो आधे मिनट कोई खड़ा रह नहीं सकता, इतनी भयानक बदबू थी। हमारी पूरी टीम ने सर्वे किया, मैं भी था। फफून लगी हुई है, जंग लगी टेबलें हैं, अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं, जो खराब से खराब हो सकता हमने देखा। हमने जो सारा सामान इस तरह का हमें मिला हमने वो भी नष्ट करवाया है। हमारी टीम ने, क्योंकि FSSAI एक्ट में हमें किसी के प्रेमिसेस को सीज करने का पावर्स नहीं है, हमें यह कि हम सैंपल्स ले लें, लेबोरेटरी में रिपोर्ट भेजें और फिर इम्प्रूवमेंट नोटिस दें, चालान करवाएं और उसके बाद उसका फूड लाइसेंस हम कैंसिल कर दें। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्रवाइयाँ हो सकती है, हमने सारे मेजर्स इस्तेमाल किए। हमने आपके हाथ में सड़ा हुआ सेब देखा था और आज हम गए तो सड़े हुए केले पड़े हुए थे, तो एक दुस्साहस भी है कि इस जांच के बाद भी अगर हालात नहीं बदल रहे हैं दोबारा कार्रवाई होगी और कठोर होगी। जो हार्श से हार्श रेमेडी हम उसको कोशिश करेंगे, हम फूड लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कोर्ट में भी प्रभावी ढंग से पैरवी करेंगे और केस बनवा करके उसको पेनलाइज कराएंगे। हमारे FSSAI एक्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडीज यही है, हमने इस्तेमाल किए, दोबारा फिर अगर होगा दोबारा हम फिर करेंगे और फिर उसका परमानेंटली कोशिश करेंगे कि फूड लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। अब ये जूस आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये भी सुन लीजिए। क्योंकि जो सड़े गले फल हैं या जो जूस में जो मार्केट में मिल रहा है, सड़े गले फल के साथ में स्वीटनर्स, कलर, सभी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, बहुत चिंताजनक बात है कि इस पर अच्छी बात है कि चिकित्सा विभाग एक्शन ले। सबसे बड़ी समस्या है सड़े गले फल होने के कारण इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, शरीर में अंदर जाते हेपेटाइटिस की संभावना बहुत बढ़ जाती है, पेट के अंदर अन्य इन्फेक्शन जिसमें कोलेरा, डायरिया, उल्टी, दस्त, सब चीज़ों की संभावना बहुत बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा कम होने लगती है शरीर के अंदर, साथ में स्टोमक के अंदर यदि स्वीटनर्स की मात्रा ज़्यादा है उसके अंदर या उसके अंदर कलर की मात्रा ज़्यादा है तो हमारे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो कि हमारे लंग्स को, हमारे स्टोमक को और अन्य पार्ट को डेस्ट्रोगा शुरू करते हैं और कैंसर तक की बीमारियां इससे होने लगती हैं। लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं कि अंदर कैसे ले आते हैं लेकिन स्वाद अच्छा लगता है। चूँकि जो सड़े गले फल हैं, हम ये देखा गया है कि सड़े गले फल को भी दुकानदार बजाय हटाने के उसका भी यूज करता है, तो ये पीने वाला है उसको तो मीठा लगता है, उसने स्वीटनर डाल दिया, उन्होंने सैक्रिन डालते हैं यहाँ तक कि कलर उसके साथ साथ, वो तो उसे मीठा लगता है, मीठा करने के कारण आदमी पी लेता है, उसे नहीं पता है कि वो सैक्रिन पी रहा है, उसको नहीं पता है कि वो मात्रा कलर की मात्रा ज़्यादा मिली हुई है वो पी रहा है, उसको नहीं पता कि सड़े गले फल को खा रहा है या ले रहा है जिसके कारण पेट में उसके इन्फेक्शन अंदर जा रहा है। आप कलर लेते हैं, कलर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करते हैं, स्वीटनर लेते हैं, स्वीटनर सैक्रिन है, वो आपके शरीर को नुकसानदायक होती है, साथ में जो सड़े गले फल है उनसे इन्फेक्शन होता है, वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक, फीवर होना, हेपेटाइटिस होना, लंग्स के अंदर लीवर बढ़ना, पेट की आंतों की बीमारियां होना, ये सभी तरीके से रोग बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं इन दिनों में, आप देख भी रहे होंगे कि अपने यहाँ पर अचानक इन रोगों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है कि लोग बाग इससे ग्रसित हो रहे हैं और मार्केट में सही चीजें, शुद्ध चीजों के मिलने का अभाव हो रहा है। हो सकता है कई बार आपके कितने जानने वाले आपको इस दुकान पर जूस पिलाने ले गए हों। जब से सोशल मीडिया पर फूड विभाग के लोगों वाला वीडियो वायरल हुआ है तब से लोग काफी हैरान हैं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।